जो हमारी कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, एक शॉर्ट पैरा में लिख के मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगी, और वो बहुत ही इजी वर्ड्स हैं और यू कैन इजिली मेमोराइज देम. सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली. आई वॉज ग्रम्बल्ड वेन शी डिडेंट इन्वाइट मी ऑन हर बर्थडे. नेक्स्ट, आई फाउंड हिम पगनेशियस. थर्ड, यू मस्ट हैव टू अटोन फॉर योर हिडियस डीड्स. नेक्स्ट, द मैग्निफिसेंस ऑफ सम हिस्टोरिकल एंड होली प्लेस कैन नॉट बी पुट असाइड. एंड देन यू आर रियली डिवाइड ऑफ इमोशंस. लास्ट, मोस्ट पेरेंट्स पोर लव और अफेक्शंस ऑन देयर चिल्ड्रन. तो अभी हम इन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन सुन लेते हैं, ठीक है. आई वॉज ग्रम्बल्ड मीन्स, ग्रम्बल्ड का मीनिंग होता है जब हम किसी से, ठीक है, गुस्सा हों, ठीक है, कोई हमें बात अच्छी ना लगी हो, ठीक है, और हम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हों, ठीक है, नेगेटिवली, ठीक है, फील कर रहे हो. आई वॉज ग्रम्बल्ड वैन शी डिडेंट इन्वाइट मी ऑन हर बर्थडे. मैं गुस्सा थी, मैं निराश थी, ठीक है, मतलब मुझे गुस्सा लगा इस बात का कि उसने मुझे अपने बर्थडे पर नहीं बुलाया, इन्वाइट नहीं किया. आई फाउंड हिम पगनेशियस. पगनेशियस का मीनिंग होता है एग्रेसिव, कि मुझे वो क्या लगा, अग्रेसिव लगा. देन नेक्स्ट सेंटेंस है, यू मस्ट हैव टू अटोन फॉर योर हिडियस डीड्स. यहाँ पर अटोन का मीनिंग होता है मुआवजा भरना, जैसे हम कहते हैं ना कि मीन्स कि आपको इस बात का, ठीक है ना, आपको प्रायश्चित करना ही पड़ेगा. तो हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए, अटोन, ठीक है. तो यहाँ पर हिडियस का मीनिंग क्या है, बुरा, और डीड्स का मीनिंग क्या है, कर्म. हमें, ठीक है ना, यहाँ पर जो लिखा है ना, यू मस्ट हैव टू अटोन फॉर योर हिडियस डीड्स, तो इस सारे सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि आपको बुरे कर्मों के लिए, ठीक है, आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा. मीन्स आपको प्रायश्चित करना ही पड़ेगा अपने बुरे कर्मों के लिए, ठीक है. द मैग्निफिसेंस ऑफ सम हिस्टोरिकल एंड होली प्लेस कैन नॉट बी पुट असाइड. इसका मीनिंग क्या है, मैग्निफिसेंस का मीनिंग होता है किसी चीज़ की ब्यूटी, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा मार्वलस हो, ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या है, मार्वलस का मीनिंग होता है शानदार, ओके. तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि कुछ हिस्टोरिकल एंड जो रिलीजियस प्लेसेस है ना, तो उनकी जो ब्यूटी है हम उसको साइड पर नहीं रख सकते, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ओके. नेक्स्ट है, यू आर रियली डिवाइड ऑफ इमोशंस. डिवाइड का मीनिंग होता है लैक ऑफ होना किसी चीज़ का, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हो कि आप में सच में इमोशंस नहीं है, आप इमोशनल नहीं हो. लास्ट में, मोस्ट पेरेंट्स पोर लव और अफेक्शन ऑन देयर चिल्ड्रन, के ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों पर प्यार बरसाते हैं. यहाँ पर पोर का मीनिंग क्या है, बरसाना, ठीक है. पोर का मीनिंग ये भी होता है जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ में डालते हैं, किसी एक कंटेनर में से चीज़ निकाल कर दूसरे कंटेनर में डालते हैं, तो उसको भी पोर कहते हैं, ठीक है. तो अभी हम वन बाय वन सारे जो वर्ड्स अभी सेंटेंसेस में सीखे हैं, ठीक है, अब उनको करेंगे और आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है. ग्रम्बल्ड मीन्स टू कंप्लेन समथिंग इन बैड टेम्पर्ड वे. हम जब गुस्से में, ठीक है, किसी चीज़ के कंप्लेन करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बुरी बात है, ठीक है. हम जैसे कि हम गुस्से में आ जाते हैं, किसी चीज़ का बुरा लगा हो हमें और उस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, हम अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हों, ठीक है. शोइंग दैट यू डोंट लाइक समथिंग, इसका मीनिंग क्लियर है ना. और नेक्स्ट क्या है, पगनेशियस का मीनिंग क्या है कि एक्सप्रेसिंग ओपिनियन वेरी स्ट्रांगली, किसी चीज़ को बहुत ही स्ट्रांग वे से, ठीक है, एक्सप्रेस करना, ठीक है. ईगर टू स्टार्ट एनी आर्गूमेंट और फाइट, इसका मीनिंग क्या है कि अग्रेसिव होना, ठीक है, किसी भी आर्गूमेंट पर जल्दी रिएक्टिव होना. नेक्स्ट, अटोन, फीलिंग सॉरी और कंपनसेट, इसका मीनिंग वही है, मुआवजा भरना, कोई चीज़ की है उसका क्या है, हमें प्रायश्चित करना ही पड़ता है, हमने जो सेंटेंस यूज़ किया है, ठीक है. और नेक्स्ट क्या है, हिडियस, इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली अगली और अनप्लीजेंट, बुरा, ओके. डीड्स एंड एक्शन दैट इज परफॉर्म्ड इंटेंशनली स्पेशली अ वेरी बैड और गुड वन, के जब कोई चीज़ जानबूझकर, ठीक है, परफॉर्म की गई हो, ठीक है, स्पेशली अ वेरी बैड, चाहे वो बहुत बुरी हो चाहे वो अच्छी हो, ठीक है. मैग्निफिसेंस का मीनिंग क्या है, ब्यूटीफुल होना,
Void का मीनिंग क्या है? Entirely lacking or free from, कि या तो पूरी तरह से किसी चीज़ की कमी है, ठीक है, या फिर कुछ है, ठीक है। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या बताया गया है कि किसी चीज़ का पूरे तरीके से कम होना। और पोर का मीनिंग क्या है? टू मेक सब्सटेंस फ्लो फ्रॉम अ कंटेनर स्पेशली इन टू अनदर कंटेनर, जो मैंने बताया है कि एक कंटेनर में से कोई चीज़ और का फ्लो होना, ठीक है। और जो मैंने लास्ट सेंटेंस में यूज़ किया था उसमें उस चीज़ का मतलब क्या था कि बरसाना, ठीक है, फ्लो होना मीन्स बरसाना था वहाँ पर इसका मीनिंग। इसीलिए मैंने, जैसे कि हम सेंटेंस की ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हम क्या करें कि वो अपने बच्चों पर, ठीक है, अपना प्यार बरसाते हैं, तो पर की जगह पर मैंने ऑन यूज़ किया हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको पोर के साथ कब ऑन लगाना है, जब हम ये कहें कि ये मतलब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पर प्यार बरसाते हैं, तो ऑन यूज़ करना पड़ा। आई होप आपको इन सभी वर्ड्स की अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। और आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।